हाय गाइस, मैं आपका मेज़बान आमिर रजा खान और अभी तक मैं मास्क पहने हुए हूँ और करंटीना में हूँ। आप ये भी ना सोचिएगा कि मैं करंटीना में नहीं हूँ, मैं अभी तक स्टील करंटीना में हूँ, घर पे हूँ, पीकेआर लाई में नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मैंने अपना करंटीना बनाया है और हदायत के मुताबिक जिस तरह से डॉक्टर्स ने दी मैं आपको भी बताऊँगा कि अगर आपने घर पर करंटीना बनाना है तो किस तरह से, अल्लाह ना करे आपको बनाना पड़े, लेकिन जो लोग पीकेआर लाई से आए हैं या बाकी जहाँ से आइसोलेशन से वापस आए हैं उनको घर में किस तरह से रहना है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि घर में करंटीना कैसा होगा। आप हमारा चैनल ए आर खान टीवी सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए इस वीडियो को और फिर आगे चलते हैं। पहले मैं आपको एक पैकेज दिखाऊं जो मैंने वहाँ उस करंटीना में फ़ील किया था, उसकी फीलिंग्स, और जो यहाँ पे मेरा घर पे करंटीना है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये पैकेज देखिएगा। पीकेएलआई करंटीना में गुजारे गए दिन बहुत अजीब थे। एक खिड़की होती थी जिसमें से हम सुबह और शाम का नज़ारा करते थे, कभी सूरज का आना, बादलों का जाना, फिर इस तरह से दिन जो है वो गुज़रता था। एक कमरा हो, एक खिड़की हो तो आपका दिन कुछ ऐसे ही गुज़रता है, और ये दिन रात का सफ़र जो है वो 19 रोज़ तक जारी रहा। मेरी हमजोलियाँ जो थी वो मेरी सामने वाली बिल्डिंग में, जो आप जिनको हम आप अपनी ज़बान में तो लालियाँ कहते हैं, वो रहती थी, उनके घोंसले थे, बने हुए थे छोटे छोटे, और वहाँ पर वो करती थी, उनको देखता रहता था। अब घर में हूँ तो घर में भी एक खिड़की है, अब इससे भी बाहर देखता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी जगह मुंतखब की जहाँ से बाहर देख सकूँ, नेचर को देख सकूँ, लोगों को आते जाते देख सकूँ, परिंदों को देख सकूँ, उनकी आवाज़ें सुन सकूँ। तो ये मेरे साथ वाला घर बन रहा है, वहाँ जो काम करते हैं मज़दूर उनकी आवाज़ें सुनता हूँ और खुश होता हूँ, लेकिन मैं परेशान बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अब भी मुतमईन हूँ कि मैं जिस क्वारंटीन में हूँ, घर वाले वो भी बहुत बेहतर क्वारंटीन है। रोज़ाना जो है यहाँ पर एक तो खाना आता है, और खाना इस तरह से पैक शुदा खाना आया, इसके साथ साथ रोज़ाना ना हमें देसी मुर्गी, यखनी और देसी अंडे बॉयल, अमर अदा लिखा हुआ है 603, साथ में ये देखे बादाम, ओलिव ऑयल, ये इस तरह की बेशुमार शहद, ये चीज़ें। तो लगता यूँ है कि जैसे हम यहाँ पर क्वारंटाइन में नहीं थे, बल्कि यहाँ पर हम जो हैं शायद कोई दंगल का जो है वो कर रहे थे तैयारी, कि कुश्ती है। वैसे कोरोना से है हमारी या थी हमारी कुश्ती ही, और इसके लिए आपके इम्यून सिस्टम का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जी, पैकेज आपने मुलाहजा फरमाया कि खिड़की जो है वो बड़ी अहम है, और इसलिए मैंने मेरे, क्योंकि यहाँ पे घर में बेडरूम में ये सहूलत नहीं थी, मेरे टीवी लाउंज में दो खिड़कियाँ थी और यहाँ पर बाथरूम भी साथ ही था, तो मैंने इसलिए इसका इंतखाब किया और यहाँ पर अपना एक सिंगल बेड जो है वो लगा लिया। लेकिन करंटीना में, घर के करंटीना में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए ये अहम है, वो आप देखें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं, ताकि आप अगर आपको अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़े तो आप करंटीना किस तरह से बना सकते हैं घर के अंदर। घर में बनाए गए करंटीना में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, एक आपका बेड हो, एक अलग से वाशरूम हो, और आप ज़रा घर वालों से दूरी इख्तियार करें। जैसा कि पीकेएलआई वालों ने जो है अपना हदायतनामा जो हमें डिस्चार्ज करते हुए दिया, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी थी कि 14 दिन तक आपने किस तरह से रहना है, ये आप देख रहे हैं, और ये पूरा एक मैनुअल सा बना कर दिया उन्होंने, और उसमें जो है उन्होंने एक एक चीज़ बताई हमें कि किस तरह से ब्लड प्रेशर चेक होता है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो सारी चीज़ें कोशिश की कि अपने करंटीना में भी अप्लाई कर सकें, और उसी तरह से जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर टेस्ट करने का, टेम्परेचर चेक करने के लिए। हाँ, एक चीज़ और कि मसवाक बहुत ज़रूरी है, मसवाक आपके पास जो है वो होनी चाहिए। टीवी का रिमोट है, चलें अलग से, मेरे पास टीवी भी मौजूद है। इसी तरह से जो मैंने अपना बेड लगाया है वो बिल्कुल खिड़की के साथ लगाया है, ताकि मैं बाहर का जो मनाजिर है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो मैं देखता रहूँ। इसी तरह से एक छोटा सा फ्रिज भी जो है वो मौजूद है कमरे में, ताकि चीज़ें अगर ठंडी रखनी हो तो वो भी मैं रख सकूं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक करंटीना के लिए ज़रूरी है कि आपके पास मौजूद हों, और ताकि आप
जो अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, जो करंटीना कर रहे हैं, उसका सही और भरपूर फ़ायदा जो है वो आप उठा सकते हैं। मेडिकल बॉक्स भी है, इसमें मेडिसन्स हैं मेरी सारी की सारी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने यहाँ पे रखी हैं, और मैं बिल्कुल घर वालों से अलग हूँ अगले 12-13 दिनों के लिए। देखा नाज़रीन, करंटीना बन गया। दो एक चीज़ें मैं आपसे और कहूँ कि मास्क जो है वो पहने रखें, मास्क ना उतारें, और दूसरी बात यह है कि अगर वाशरूम में जाएं तो पहले हाथ धोएं। जो सब कहते हैं कि वाशरूम इस्तेमाल, टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद भी हाथ धोएं, पहले भी हाथ धोएं फिर आप टॉयलेट का इस्तेमाल करें, यह बहुत अहम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल एआर खान टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अगली वीडियो तक आमिर रज़ा खान को इजाज़त भी दीजिए। अल्लाह हाफिज़।